हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई केक। आप सोच रहे होंगे रसमलाई केक? जी हाँ, रसमलाई से भी केक बनते हैं और वो भी बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रसमलाई जैसे। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो आज मैं रसमलाई केक बनाऊंगी पैन में, और इसमें हम डालते हैं 1.5 कप नमक। ये नमक मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ किया था, जिसे मैंने स्टोर करके रख लिया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर नमक के बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड, क्योंकि हमें केक टिन को डायरेक्ट नमक के ऊपर नहीं रखना है, केक नीचे से जल सकता है। और इसे अब हम कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर रख कर 10 मिनट तक के लिए हीट होने देते हैं। तो जब तक हमारा पैन हीट हो रहा है, तब तक हम केक का बैटर भी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, और फिर इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। सोडा भी डाल देते हैं, तो हम इसमें 1/4 टीस्पून सोडा डालेंगे। अब इसमें हम डालते हैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं रसमलाई केक, इसलिए मैंने इलायची पाउडर का यूज़ किया है। और सभी को अच्छे से हम छान लेते हैं। ये इलायची के दाने हैं, तो इसे भी इसी में डाल देंगे। और छानने के बाद सभी को एक बार मिक्स कर लेते हैं। और चलिए अब हम सभी वेट इंग्रेडिएंट्स भी रेडी कर लेते हैं। तो आज हम जो केक बनाएंगे वो विदाउट कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप दही, और फिर इसमें हम डालते हैं 1/2 कप तेल। मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक कि तेल और दही आपस में मिक्स ना हो जाए। तो दही और तेल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब इसमें हम डालते हैं चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का यूज़ किया है, और इसे भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी, दही और तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अब इसमें हम कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए डालते हैं दूध। तो हम लेते हैं 1/4 कप दूध, और 1 टेबलस्पून हम इसमें रोज़ वाटर भी डालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एसेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रोज़ वाटर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 टेबलस्पून एडिबल, जो खाने वाला रोज़ वाटर होता है, वो मार्केट में इजीली मिलता है, आप वही यूज़ कीजिएगा। और सभी को एक बार हम अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स कर लेते हैं, और हमें बिल्कुल पतला घोल बनाकर रेडी करना है। तो ज़रूरत के अनुसार हम दूध का यूज़ कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो रसमलाई केक बनाने के लिए केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब इसे हम डालते हैं ग्रीस टिन में। तो मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच का टिन, और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, और तेल डालकर हम बिल्कुल अच्छे से टिन को ग्रीस कर लेंगे। साइड्स में भी हम ऑयल अच्छे से लगा लेंगे, और अब इसमें हम डालते हैं प्रिपेयर किया हुआ बैटर। इस केक के बैटर में मैंने कलर का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर डाल सकते हैं। बैटर को टिन में डालने के बाद इसे हम एक बार टैप कर लेते हैं, और हमारा जो पैन है वो भी बिल्कुल गर्म हो गया है, तो इसे हम रखते हैं हीटेड पैन में। तो इसके लिए हम ढक्कन को खोलते हैं, और केक टिन को रखते हैं हम पैन में, और ऊपर से हम फिर से ढक्कन लगा देते हैं, और इसे हम लो फ्लेम पर रखकर 30 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आधे घंटा हो गया है, और आप देख रहे हैं केक काफ़ी फूल गया है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से पका नहीं है, तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक और पकने देते हैं, और इस समय हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। 45 मिनट्स हो गया है केक को पकते हुए, तो इसे अब हम खोल लेते हैं, और ऊपर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है, बट केक अंदर से पूरी तरीके से पक गया है। तो कलर के लिए आप इसे 5 से 10 मिनट तक और पैन में रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे टिन से बाहर निकाली, क्योंकि साइड से नहीं तो ये जल जाएगा। तो केक को मैंने पैन से बाहर निकाल लिया है, और ये बिल्कुल बेक हो गया है, तो इसे हमें टिन से भी बाहर निकालना है, तो हम इसे पहले थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
तो केक थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके साइड्स को स्क्रैच कर लेते हैं और अब हम प्लेट को उल्टा करके टिन के ऊपर रखते हैं। फिर टिन को हम टैप करेंगे और केक को टिन से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये नीचे का क्रस्ट थोड़ा सा लाल हो गया है, तो आप फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दीजिएगा और केक को हम सीधा करते हैं। तब देख रहे हैं फ्रेंड्स, केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो ऐसे ही आप रसमलाई केक बना सकते हैं। हीट की वजह से ये किनारे से ज़्यादा लाल हो गया है और टॉप से उतना लाल नहीं हो पाया है, क्योंकि जो मेरा पैन था वो थोड़ा छोटा था। तो आप इसको यदि बड़े पैन में बनाएंगे तो ये ऊपर से चारों ओर से इक्वली लाल हो जाएगा। तो बाकी केक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी एकदम परफेक्ट बना है। इसे हमें लेयर्स में कट करना है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे रख देंगे, उसके बाद हम रसमलाई केक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, रसमलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चीनी। मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और चीनी और दूध को अच्छे से मिक्स करके एक बॉयल होने तक हम पका लेते हैं। तो दूध बॉयल हो गया है और अब इसे हमें और नहीं पकाना है, तो हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा जो मिल्क सिरप है जो मैंने बॉयल किया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। तो हम यहाँ पे 3-4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम रसमलाई केक बनाने जा रहे हैं तो इलायची पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हम इसमें अब डालेंगे 1/2 चम्मच रोज़ वाटर। ये जो रोज़ वाटर है इसमें मैंने केसर भिगोकर आधे घंटा के लिए रख दिया था, तो जिससे इसका कलर येलो हो गया है और बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो 1/2 चम्मच हम रोज़ वाटर दूध में डाल देते हैं। तो हमें इसे येलो करने के लिए एक्स्ट्रा कलर की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हमारा मिल्क सिरप केक को सोक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब चलिए हम क्रीम को भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है व्हिप्ड क्रीम, क्रीम को मैंने बीट कर लिया है। क्रीम को कैसे बीट करें इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हम रसमलाई केक बनाने जा रहे हैं तो इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर। हम 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम डालते हैं रोज़ वाटर और थोड़ा सा येलो कलर भी डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने लिक्विड फूड कलर का यूज़ किया है और सभी को एक बार हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो रसमलाई केक बनाने के लिए क्रीम रेडी हो गई है, अब चलिए हम केक को भी लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बिल्कुल ठंडा हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पूरा बेक हो चुका है, बस ऊपर से ये ब्राउन नहीं हुआ है क्योंकि मेरा पैन जो है छोटा था। आप बड़े पैन में करेंगे तो ये ऊपर से भी ब्राउन हो जाएगा। और अब इसे हम 3 लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप का लेयर कट करके निकाल लेते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर मैंने कट कर लिया, अब देख रहे हैं अंदर से पूरी तरीके से बेक हो गया है। और अब हम ऐसे ही सेकेंड और थर्ड लेयर कट कर लेते हैं। तो मैंने केक को 3 इक्वल लेयर्स में कट कर लिया है और अब हम केक को मिल्क सिरप से सोक करेंगे जो मैंने अभी बनाकर रेडी किया था। हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसे सोक करना है क्योंकि हम रसमलाई केक बना रहे हैं, तो बिल्कुल सॉफ्ट जब तक ना हो जाए स्पॉन्ज तब तक हम इसे सोक कर लेंगे। तो ये नॉर्मल शुगर सिरप से ज़्यादा इसमें केक को सोक करने के लिए दूध लगता है, क्योंकि जो रसमलाई है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है आप जानते हैं, तो हमें बिल्कुल रसमलाई जैसा टेस्ट लाना है इसलिए इसे हम ज़्यादा सोक करेंगे। तो स्पॉन्ज को बिल्कुल अच्छे से सोक कर लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम को हम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे। व्हिप्ड क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से चॉप्ड पिस्ता और कुछ गुलाब की पंखुड़ी है
ये एडिबल है, ये खाई जाती है, ये मार्केट में आपको इजीली मिलेगी। तो ये रोज़ पेटल्स, एडिबल रोज़ पेटल्स के नाम से मिलती है, तो इसे हम केक के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। और फिर हम लेते हैं अपना सेकेंड लेयर और इसे हम केक के ऊपर रखेंगे। तो सेकेंड लेयर को भी हम ऐसे ही मिल्क सिरप से सोक करके क्रीम लगाएंगे और एडिबल फ्लावर्स और पिस्ता से गार्निश करेंगे। और अब हम साइड्स को भी क्लीन कर लेते हैं। एक बार साइड में हम अच्छे से क्रीम लगा लेते हैं। और अब हम रखते हैं अपना थर्ड लेयर, लास्ट लेयर, और इसे भी हम मिल्क सिरप से अच्छे से सोक कर लेंगे। तो शुगर सिरप से सोक करने के बाद अब हम टॉप में भी क्रीम लगाते हैं और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और केक के साइड में भी हम क्रीम लगा देते हैं। तो केक के टॉप पार्ट को हम अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं और स्क्रैपर से हम इसके साइड को भी स्मूथ कर लेंगे। और अब हम इसके एजेस को भी स्मूथ कर लेते हैं। टॉप और साइड को क्लीन कर लिया है और अब हम लगाते हैं रोज़ पेटल्स। तो ये मैंने एडिबल रोज़ फ्लावर्स लिए हैं, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगा। इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो हम एक एक पेटल चिपकाते जाएंगे। रैंडमली हम कैसे भी पेटल्स लगा देंगे। तो ये मैंने थोड़े रोज़ पेटल्स लगा दिए हैं और थोड़े से हम कटे हुए पिस्ता से भी इसे डेकोरेट कर लेते हैं। और अब हम इसके टॉप पार्ट को भी डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने लिया है नोज़ल नंबर 21 और ऐसे हम राउंड शेप बनाएंगे। और अब इसके बीच में हम थोड़े से रोज़ पेटल्स डालते हैं और कटे हुए पिस्ता भी डाल देते हैं। और इसे अब हम रसमलाई से डेकोरेट कर लेते हैं। आप बगैर रसमलाई के भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रसमलाई केक बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसे हमें कट करना है। तो कट करने से पहले इसे हम 2 से 3 घंटे तक के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केक सेट हो गया है। अब चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, ये रसमलाई केक बिल्कुल रसमलाई जैसा लग रहा है और आपका खाने का भी मन हो रहा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है और खाने का मन कर रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।